हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के माध्यम से बोड़ियाखेड़ा गांव के अंदर जो एक बहुत ही जबरदस्त जनसभा का आयोजन किया गया, उसमें मैं पूरे गांव का विशेष तौर से सरदार जरनैल सिंह जी का जो कि आज के प्रोग्राम के संयोजक थे, इन्होंने आज केवल बोड़ियाखेड़ा गांव ही नहीं बल्कि रतिया हल्के के यहाँ पे 36 बिरादरी के लोग यहाँ पे शामिल हुए और इतनी बड़ी संख्या में शामिल होकर हमारा बहुत हौसला आज बढ़ाने का काम किया है। और हरियाणा में जो बदलाव की लहर चल रही है आज उस लहर पे मोहर लगाने का काम बोड़ियाखेड़ा गांव में रतिया हल्के में हुआ है। दीपेंद्र जी, इतनी बड़ी जनसभा 37 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, बोड़िया में नहीं देखी है मैंने, आपके समर्थक पुरजोर जुटे हुए हैं, उनमें एक शंका है, हमें कहते हैं कि कहीं ना सत्ता के टाइम कांग्रेस ही सरकार बन जाए और सीएम की कुर्सी कोई और ले जाए। देखिए जो है मैं समझता हूँ कि आज कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एकजुट है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में और चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में। कांग्रेस का काफिला बढ़ता जा रहा है, हमारा कुनबा बढ़ता जा रहा है पूरे प्रदेश के अंदर और लोगों की आस्था कांग्रेस पार्टी में बढ़ी। आप बैठे की ना भूमिका भूल जाइए, आप एक कांग्रेस नेता हैं, मैंने जो मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए हरियाणा का अगला, मैंने आपको जैसे कहा आज कांग्रेस पार्टी का हमारा लक्ष्य हरियाणा के भविष्य को बचाना है, बीजेपी जेजेपी सरकार को भगाना है और कौन होगा कौन नहीं होगा ये तो जनता से आप पूछ सकते हैं। भाई साहब, एक ना अनुराग ढांडा ने बयान दिया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास टिकट बंटवारे का कोई अधिकार नहीं है, तो वो ऐसी घोषणा क्यों करते हैं, वो भाजपा में जाने के बहाना ढूंढ रहे हैं। ये देखो, मैं किसी जो है हर किसी के बात का जवाब दूँ ये इसका कोई महत्व नहीं है, खास तौर पर ऐसी पार्टियां जिनका जनाधार हरियाणा में ना हो, जैसा कि आदमपुर चुनाव में 2% मत जिन पार्टियों के आए हों उससे साबित होते हैं। सभी पार्टियां आपको मिलकर टारगेट किया जाए, वो टारगेट किया जाता है जो हर पार्टी सारी, चाहे वो सत्ता दल हो और सत्ता दल के भी, चाहे किसान आंदोलन से की बात हो रही हो, चाहे मेरे लोकसभा चुनाव की बात रही जैसे आपने कहा, चाहे वो खिलाड़ी पहलवान आंदोलन की बात हो, वो सभी मिलके निशाने पे लेते हैं और चाहे ये दूसरी पार्टियां हों, सत्ता दल हो या विपक्ष, सबके निशाने पे हैं हम, कुछ तो हम में भी होगा दम। उदय गांधी के बयान को लेकर कुछ तो होगा दम, सभी जो जिनकी आप बात कर रहे हैं, अब इनको तो भाजपा के खिलाफ बोलना चाहिए, इन्हें लोग भाजपा के खिलाफ बोले, आम आदमी भाजपा के खिलाफ बोले, बात समझ में आती है, लेकिन सारे मिलकर आज हुड्डा साहब के खिलाफ बोलते हैं, मेरे खिलाफ बोलते हैं, क्या कारण है? कारण लोग की जो है जन हरियाणा के लोगों के जन भावना, लोगों का आशीर्वाद है, उसी आशीर्वाद से हमें दम, हमें कोई हम जो है ना, ये जो मैंने कहा जैसे कहा कि सबके निशाने पर हैं हम, कुछ हमें होगा दम, उसका मतलब दम ये नहीं कि हमने दंड बैठक लगा के पहलवान है, वो इसीलिए है। कोई जो बीजेपी के सारे सांसद बोलते थे कि महिला खिलाड़ियों के आंदोलन की बात हो या किसान आंदोलन, वो इसलिए नहीं, वो दम हमें लोगों का आशीर्वाद का दम है, जो ताकत है हमारी वो लोगों की दी हुई ताकत है। और लोगों के आशीर्वाद और लोगों की दी हुई ताकत जो है वो प्रजातंत्र में मैं समझता हूँ वो सत्ता दल के निशाने पर आती है, इसमें कोई नई बात नहीं। एक उदय गांधी के बयान को लेकर घमासान, खड़गे जी और इनेलो नेताओं की मुलाकात को आप कैसे देखते हैं? कोई मुलाकात जो है कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं देखते, ये कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं थी, कोई अपना न्योता देने कहीं जाए वो एक अलग कहानी है, लेकिन कोई राजनीतिक नहीं। राजनीतिक तो ये पता है, मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी हरियाणा में खुद सक्षम है, जो आप प्रश्न दूसरा पूछते हैं मैं पहले ही बताया था, हम खुद सक्षम है, कांग्रेस पार्टी सक्षम है, कांग्रेस पार्टी का आज हरियाणा में इतना जनाधार है कि हम अपने बलबूते पे
एक बड़े बहुमत के साथ हरियाणा बदलाव लाए। एक चुनाव एक देश जो चल रहा है, क्या मंशा क्या है? अभी कोई उसका संसद में कोई बात आई नहीं, तो मैं समझता हूँ अभी कुछ उसका कहने का महिला आरक्षण बिल पे खोल सकते। ये आखिरी बात कहते हैं, ये महिला आरक्षण बिल केवल एक सरकार ने, जब ये सेशन शुरू हुआ तो पहले दिन आया वन नेशन वन पोल, तो वो नहीं निकला, बोला महिला आरक्षण, फिर बोला महिला इलेक्शन 29 तक, फिर आखिर में पास होते होते ये हुआ कि 34 या 39 तक महिला इलेक्शन। तो ये बोलते हैं, कई चीज़ें करते हैं लेकिन होता नहीं। 100 स्मार्ट स्मीट सिटी बननी थी 19 तक, बुलेट ट्रेन आनी थी 20 तक, किसान की आमदनी दुगनी होनी थी 22 तक, वो भी पास चला गया और ये बाईपास हो गए। अब महिला आंदोलन, महिला आरक्षण बता रहे हैं कि 34 या 39 तक, कि अगर 39 और 34 में जो है मोदी जी करेंगे तो तब तक तो किसकी सरकार रहेगी, कौन रहेगा नहीं रहेगा, ये कौन कह सकता है? अगर इनको करना था तो 24 में करते, अभी करते, सरकार है इनकी, आगे इनकी सरकार आएगी 39 तक 34 तक, ये किसने बताया? ये तो केवल देश की जनता को अधिकार है बताने के।